एक दूसरी दुनिया, एक ऐसी दुनिया जिसे किसने बनाया कोई भी नहीं जानता, जहां पर एक बार आप चले गए तो वापस आना हो जाता है नामुमकिन। एक ऐसी जगह जो बहुत ही ज्यादा नीली नीली, मेरे कमरे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक ऐसी जगह जो बहुत ही ज्यादा पीली पीली है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बैक रूम के बारे में, जहाँ पर बहुत ही अजीबोगरीब क्रीचर, एलियंस या फिर कहें तो मॉन्स्टर्स पाए जाते हैं। ये कोई दूसरा डायमेंशन है या कोई सीक्रेट साइंस एक्सपेरिमेंट? वैसे तो इस पर बहुत से लोगों ने रिएक्शन दिए हैं, जैसे कि आपका और मेरा फेवरेट मिथपैड, लेकिन आज मैं इस पर रिएक्शन देने नहीं बल्कि इसके सीक्रेट एक्सप्लोर करने आया हूँ। तो पीले कमरे के काले राज खोलेंगे हम आज के फाड़ू वीडियो में। मई 2019 में एक फोटो इंटरनेट पर अपलोड की गई। ये फोटो थी उस रहस्यमय जगह की जिसको लोग बैक रूम कहते हैं। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि बैक रूम आखिर क्या है? बैक रूम मतलब पीछे का कमरा? जी नहीं, ये एक ऐसा रूम है वेयर यू कैन नॉट कम बैक, मतलब ये हमारी असली डायमेंशन के बैक में एक ऐसा पॉकेट डायमेंशन है जहाँ पर यूनिवर्सल ग्लिच के कारण आप कभी भी एंट्री कर सकते हो, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन एक बार जब आप इसमें एंट्री कर जाते हो तो इससे निकलना हो जाता है इम्पॉसिबल, क्योंकि ये पॉकेट डायमेंशन की एक भूल भुलैया है। मैं इस भूल भुलैया की बात नहीं कर रहा, मैं तो बात कर रहा हूँ असली भूल भुलैया की। अरे मैं फिल्मों की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ रियल लाइफ की भूल भुलैया की, जिसमें कोई जाता है तो गुम जाता है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि भैया डायमेंशन तो हमने सुनी थी, लेकिन ये पॉकेट डायमेंशन क्या है? तो पॉकेट डायमेंशन एक सेपरेट डायमेंशन होता है, लेकिन इसका साइज बहुत ही ज्यादा स्मॉल होता है। हमारे यूनिवर्स या हमारे डायमेंशन में हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, लेकिन एक बार अगर ये ग्लिच आ गया तो आप चले जाते हो हमारी डायमेंशन से निकलकर पॉकेट डायमेंशन के अंदर। और इन बैक रूम से बाहर आना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही डरावनी एंटिटीज होती हैं जो आपका पीछा करती हैं, आपको मारने की कोशिश करती हैं, और इनसे आपको बचकर निकलना होता है। लेकिन आपको कहाँ पर जाना है ये आपको समझ में नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर हजारों रास्ते हैं। और अगर आप यहाँ से बाहर निकल भी गए तो आप यहाँ से किधर को बाहर निकलोगे आपको खुद नहीं पता होगा। मतलब हो सकता है यहाँ से निकलकर आप एक जंगल में निकल आओ, या फिर लाखों किलोमीटर ऊपर आसमान में से निकलो और गिरकर धरती पर आपका स्टिकर बन जाए, या हो सकता है आप निकलो किसी दूसरे ग्रह पर, या फिर शायद समुद्र के अंदर, या हो सकता है आप मेरे कमरे में निकल आओ। मेरे कमरे में निकल आओगे फिर तो बच जाओगे, लेकिन कहीं और से अगर निकले तो फिर आपका काम तमाम समझो। इस फुटेज को देखो, ये जुलाई 1991 में, मतलब 1991 में रिकॉर्ड की गई थी। यहाँ पर केन नाम का एक बंदा एक शॉर्ट फिल्म बना रहा था अपने दोस्तों के साथ, लेकिन तभी अचानक उसका पैर किसी चीज से टकराता है जब वो पीछे एक सीन लेने के लिए हट रहा होता है, और वो गिर जाता है एक अननोन जगह पर, एक ऐसी जगह जो कि सड़क से नीचे थी, बहुत ही पीली थी। मैं गटर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ बैक रूम की। जब केन वहां पर गिरता है तो उसके पास उसका कैमरा भी होता है, क्योंकि वो उस टाइम फिल्म की रिकॉर्डिंग कर रहा था। वो धीरे धीरे उस जगह के बारे में जानने की कोशिश करता है, उस जगह को एक्सप्लोर करता है, लेकिन वो वहां पर भूल भुलैया में गुम जाता है। वो वहां से निकलने की पूरी कोशिश करता है, वो हर रास्ते को एक्सप्लोर करता है, लेकिन उसके पीछे एक अजीब सा काला मॉन्स्टर पड़ जाता है। वो मॉन्स्टर चुपचाप केन का पीछा कर रहा था और केन को इसके बारे में खबर नहीं थी। आगे चलते चलते केन को एक अजीब सी दीवार दिखती है जिसमें ब्लैक कलर से कुछ पेंट किया होता है। यहाँ पर लिखा हुआ था डू नॉट मूव स्टे स्टिल, मतलब बिल्कुल भी हिलने का नहीं। केन ये चेतावनी पढ़ ही रहा होता है, तभी अचानक से पीछे उस पर एक मॉन्स्टर हमला कर देता है। केन अपनी जान बचाने के लिए बहुत तेजी से भागता है, और तभी उसे बैक रूम के फ्लोर पर एक गड्ढा दिखाई देता है। केन के पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो उस गड्ढे में कूद जाता है, लेकिन ये तो बैक रूम का केवल लेवल जीरो था। उस गड्ढे में कूदने के बाद वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बैक रूम्स में जाता है। जब वो उस पूरी जगह को एक्सप्लोर करता है तो पाता है यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रूम्स हैं, यहाँ पर इतने कॉरिडोर्स हैं, इतने रास्ते हैं कि वो जिंदगी भर इनके बाहर नहीं आ सकता। वो घूमता रहेगा, भटकता रहेगा, लेकिन केन के पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। तो केन फैसला करता है बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है, और वापस घूम फिर के वो वहीं पहुंच जाता है जहां से उसने शुरू किया था। लेकिन उस मॉन्स्टर को बहुत अच्छे से मालूम था कि केन लौटकर वापस आएगा, और उसने इस मौके का फायदा उठाया। केन जैसे ही उस जगह पर लौटकर आया, उस काले मॉन्स्टर ने, अबे ये मॉन्स्टर कहां लग रहा है, ये तो पूरा मतलब टिड्डी पहलवान लग रहा है, मतलब सच में बैक रूम में ये खुद भी फंस गया होगा, इसको कुछ खाने पीने नहीं मिलता, जरा इसकी हालत तो देखो। लेकिन जो भी है भाई, अगर आप ऐसी किसी जगह पर फंस जाते हो तो भले कितना टिड्डी मॉन्स्टर हो,
डर तो लगता है। केन ने फिर भागने की कोशिश की और उसको एक और गड्ढा देखा। केन ने सोचा कि चलो यहाँ से कूद जाऊंगा, बच जाऊंगा, लेकिन इस बार उसे मॉन्स्टर ने पकड़ लिया और अनफॉर्चुनेटली केन का कैमरा उस गड्ढे में गिर गया और वो गड्ढा उस पॉकेट डायमेंशन से मतलब बैकरूम से निकलने का रास्ता था, बेचारा केन। लेकिन ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई, अब आगे क्या हुआ वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर केन को मॉन्स्टर ने पकड़ लिया है तो भैया उसका बचना तो नामुमकिन है और उसका कैमरा गिरा है आसमान से, मतलब उस बैक रूम का दरवाजा हमारी दुनिया से ऊपर आसमान में खुला, मतलब अगर केन बच भी जाता मॉन्स्टर से तो भैया सीधे जमीन पे आकर गिरता और उसका फिर काम खत्म ही हो जाता। फाइनली वो कैमरा नीचे गिरा और फॉर्चुनेटली वो एक सॉफ्ट जमीन पर मतलब घास पर गिरा। लेकिन उसके बाद कहानी में ट्विस्ट आता है भाई, आपको पता है कि ये कैमरा 1996 में लोगों को मिला एकदम सही हालत में। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो कैमरा 5 साल तक वहीं पड़ा रहा, इसका मतलब ये है कि बैक रूम में टाइम बहुत तेजी से चल रहा था, मतलब हमारी दुनिया के कुछ ही घंटे हुए थे और बैक रूम में केन को करीब 5 साल हो गए थे, मतलब अगर वो वहां से जिंदा लौट कर आता तो भाई वो तो सीधे सीधे टाइम ट्रेवल कर चुका होता। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये बैक रूम क्या बला है। 1988 की एक फुटेज लीक हुई है जो कि है असिंक कंपनी की, और यहाँ पर इस कंपनी के द्वारा किया गया एक साइंस एक्सपेरिमेंट का वीडियो लीक हुआ, जहाँ पर ये लोग एक अलग ही मैग्नेटिक फील्ड पर एक दुनिया में जाने का रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक ऐसी जगह बना रहे हैं जिससे इस धरती पर लोगों के रहने की प्रॉब्लम खत्म हो जाए, या फिर शायद वो दूसरी दुनिया में जाने का एक पोर्टल बना रहे थे जो गलती से बैक रूम में जाकर खुल गया। क्योंकि अगर ये कोई साइंस एक्सपेरिमेंट होता तो भाई वहां पर मॉन्स्टर कहां से आ जाते, कोई भी कंपनी अपने एक्सपेरिमेंट में मॉन्स्टर क्यों बनाती। तो मुझे तो लगता है कि ये पूरा बैक रूम एक साइंस का सीक्रेट एक्सपेरिमेंट था, लेकिन यहां पर हो गई है कुछ गलती और उस गलती की वजह से दूसरे डायमेंशन के मॉन्स्टर उस बैक रूम्स में आ गए हैं, वो मॉन्स्टर भी वहां पर फंस गए हैं और बैक रूम में जो इंसान एंटर करता है वो भी वहां पर फंस जाता है। तो मतलब ये काफी ज्यादा डेंजरस प्लेस है, मतलब आप बैक रूम को ऐसे समझ सकते हो कि ये एक इमेजिनरी स्पेस है, एक इमेजिनरी जगह है जहां पर कुछ भी फिजिकल नहीं है, लेकिन एक फिजिकल इंसान वहां पर जा सकता है और हर चीज को छू सकता है, महसूस कर सकता है, मतलब काफी इंटरेस्टिंग टाइप की चीज लग रही है ये। मोस्टली वीडियोस डाली हैं केन पिक्सल्स ने जो कि एक VFX आर्टिस्ट है, तो ये पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि जो भी वीडियोस आप इंटरनेट पर देख रहे हो बैक रूम्स के वो उनके वर्क का एक सैंपल हो, जिस तरीके से स्लेंडरमैन और बहुत सारे SCP एक आर्टिस्ट के दिमाग की उपज है, वैसे ही ये बैक रूम नाम की जगह भी केन के दिमाग और उसके VFX के टैलेंट का एक एग्जांपल हो सकता है, या फिर हो भी सकता है कि बैक रूम जैसी खतरनाक जगह रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती हो, वाकई में हिस्ट्री में मतलब 1991 के दौरान ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट हुआ हो। खैर सवाल तो बहुत सारे हैं, जैसे कि बैक रूम्स को किसने बनाया, क्या वाकई में कोई पॉकेट डायमेंशन होती है, ये मॉन्स्टर आखिर कहां से आए हैं और एसिंक कंपनी का ये बैक रूम बनाने के पीछे क्या उद्देश्य था, क्या ये एक्सपेरिमेंट आज भी चल रहा है। तो इन सभी सवालों के जवाब आज नहीं तो कल फ्यूचर में हम सबको पता चली जाएंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। तो यार वीडियो अच्छा लगा है तो पता है तुम्हें क्या करना है, लाइक जरूर जरूर कर देना यार भाई, लाइक जरूर कर देना और हाँ एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट छोड़ देना, और अगर नए आए हो पहली बार चैनल पर आए हो तो भैया इतना बेहतरीन चैनल कहाँ छोड़ के जाओगे, सब्सक्राइब करो। और हाँ अगर आप पुराने चावल हो मतलब पुराने सब्सक्राइबर हो तो भैया मैंने अपने माइंड स्ट्रक चैनल पर एक मस्त वीडियो डाली है जहाँ पर मैंने तुम्बाड़ मूवी से जुड़े हुए अननोन फैक्ट्स बताए हैं, वो भी आपको यहीं कहीं दिख रहा होगा, उस वीडियो को जरूर जाकर चेकआउट करना। मिलते हैं अगले फाड़ू वीडियो में।